राजू, राजू बेटा उठ उठ राजू उठ उठ राजू उठ उठ, सुनता क्यों नहीं? एक्टिंग है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज भाई हम कॉलेज में आ गए हैं और मैं बॉल में बस घूम ही रहा था और अचानक से मेरे को दिखा यहाँ पे, देखो फर्स्ट कुमाऊँ कल्चर डे 18 जुलाई, कुछ तो है मतलब जी जंतु विज्ञान सप्रदन, पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर जाके पता करते हैं क्या है। सब लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छा कल्चरल माहौल हो रखा है आज यहाँ पे। और ये देखो, अच्छा ये उत्तराखंड की दालें हैं शायद, वाह अचार, याले अचार मैं खाता हूँ भाई, लेके जाता हूँ याले अचार सर जी। ऊपर चल के देखते हैं जरा क्या हो रहा है ऊपर, ठीक है? एक से एक लोग तैयार होके आ रखे हैं, दिखाता हूँ मैं, चलो भाई। वाह भाई वाह, कुछ तो है आज पक्का यहाँ पे। सेंट की इतनी खुशबू अच्छी आ रही है ना, क्या बताऊँ मैं, सब तैयार होके आ रखे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है, अंदर चलते हैं। एंट्री फॉर स्टूडेंट्स। तेरी मेरी बात फूलों में, चलो अंदर चलते हैं गाइस, अंदर चलते हैं। सो मच पॉपुलेशन, ओ माय गॉड, अभी आवाज़ नहीं आ रही, शायद थोड़ी देर में वीडियो बनाता। बस ये बाहर का देखो अभी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ऊपर लाइट भी चली गई थी, अब थोड़ी देर और स्टार्ट भी नहीं हो रखा है अभी, जब स्टार्ट होगा तब जाएंगे ऊपर, तब तक मैं जाता हूँ अपने दोस्त लोग के साथ, यहीं कहीं इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, डूबते हैं जरा उनको। मेरे नहीं है सब, क्या है जितने बैठे हुए। तो भाई ये जो फॉर्म है ना, पर ये है मेन मतलब कैंपस के लिए, हम पूछते हैं जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं, वो बताएंगे आपको। चलो भाई हम अशोक दास से पूछते हैं आखिर क्या है कैंपेन वाला सीन। हाँ भैया, इसमें ये है कि कैंपस हमारी मांग रही है, हमारी नहीं, आज से 40 वर्ष जितने भी 40 वर्षों में छात्र संघ के लोग आए हैं, या 40 वर्षों में जो भी कॉलेज के ऐसे लोग आए हैं जो अपनी बातें बाहर तक पहुंचाते हैं, जैसे अगर मान लें 40 वर्ष जितने छात्र नेता हैं या छात्र छात्राओं को, उनकी मांग रही है कि कैंपस रहें। अभी बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस कैंपस का, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो लोग इस कैंपस का विरोध कर रहे हैं तो उनकी भी मांगें रही हैं, बल्कि उनके लेटर पैड मेरे पास पड़े हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं, कि उन्होंने भी विश्वविद्यालय को ये ज्ञापन दिए हुए हैं और हमारे प्रिंसिपल सर को ये ज्ञापन दिए हुए हैं कि कैंपस बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं आज क्यों वो लोग कह रहे हैं कि कैंपस नहीं बनना चाहिए। या तो देखिए वो लोग तब गलत थे, या तो वो आज गलत हैं, गलत वो गलत थे, ये बात साफ आती है। अब इसमें हम ये चाह रहे हैं कि कैंपस बने। अब हमारी कैंपस बनने की मांग क्या है, आप जानते हैं पिथौरागढ़ में एक बीए है, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, इन चार ऑप्शन के बाद हम कोई ऑप्शन हमारे पास छात्र छात्राओं के पास नहीं कर सकते हैं। बात रही अगर ऑनर्स सब्जेक्ट की, अब एक बच्चा अगर किसी को फिजिक्स से पसंद है, फिजिक्स से उसने एमएससी आगे चल के करनी है, तो उसने क्या करना है, फिजिक्स में चल के उसने पहले पीसीएम सारी चीज़ें बीएससी में पढ़नी है, तब जाके वो फिजिक्स से अपनी एमएससी करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कैंपस होता है, कैंपस होता है तो क्या होगा, उसको यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स मिलेगा, वो अपना यूजी फिजिक्स ऑनर्स से कर सकता है, फिजिक्स ऑनर्स से यूजी कर सकता है, तो एक सब्जेक्ट को अपना पूरा टाइम देगा तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, उसके बाद वो एमएससी वगैरह, तो उसकी एक अच्छा आदमी पढ़ के जाएगा तो साफ सी बात है समाज के लिए बेहतर करेगा। और वही बात है कि अगर किसी को अगर आर्ट्स पसंद है तो उसने मजबूरी में बीए करना पड़ रहा है, जबकि फाइन आर्ट्स एक सब्जेक्ट होता है, फाइन आर्ट्स होता है, फाइन आर्ट्स कैंपस आने के बाद यहाँ खुलेगा, फाइन आर्ट्स कर सकता है, आर्ट के क्षेत्र में अगर अपना पूरा समय देगा, 100% देगा तो 100% अच्छा काम करेगा, तो आर्ट के विषय में अपना अच्छा 100% देगा। उसके बाद जो तीसरी बात आती है, अगर यही सब्जेक्ट बोले LLB नहीं है यहाँ, अगर कोई वकालत करना चाहता है तो वकालत यहाँ से नहीं कर सकता है, अगर यहाँ पर कैंपस आता है तो LLB कर सकता है, वो यहाँ से ही LLB करेगा। अब देखिए हर बच्चा अगर किसी ने फाइन आर्ट से करना है तो यहाँ से भैया अल्मोड़ा नहीं जा सकता है, अल्मोड़ा नहीं जा सकता है, उसके पास शायद किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के हर किसी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं होती है तो वो नहीं कर सकता है अफोर्ड। लेकिन अगर पिथौरागढ़ वो पढ़ने में आ रहा है, पिथौरागढ़ का वो है, पिथौरागढ़ में फाइन आर्ट होगा, LLB होगा, वो कर सकता है ना यहाँ से, तो ये फ़ायदा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इतने फ़ायदे कैंपस के हैं, लेकिन लोगों ने बिना मतलब ड्राफ्ट बने कैंपस की गलतियाँ गिनानी शुरू की हैं, जबकि कैंपस की भैया ऐसी कोई गलतियाँ नहीं है, कैंपस एक स्वायत्त संस्था होती है, जो अपने निर्णय, अगर हम कैंपस के निर्णय लेंगे तो कैंपस के अंदर से निर्णय लेंगे, छात्रों की भूमिका रहेगी उसमें, प्राचार्य की भूमिका, जो यहाँ के डायरेक्टर होंगे उनकी भूमिका रहेगी, जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका रहेगी। अभी हम किस पर अल्मोड़ा पर डिपेंडेंट हैं, इससे पहले हम वहाँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, कहाँ नैनीताल, वहाँ डिपेंडेंट होते थे,
अब देखिए अगर कैंपस खुलेगा तो यहाँ पर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस आएगा, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस आता है तो यहाँ पर बच्चों की मार्कशीटों की दिक्कत है, उसको यहाँ से एक दिन की छुट्टी लेकर 1,000-2,000-3,000 रुपया खर्च करके अल्मोड़ा नहीं जाना पड़ेगा ना, यहीं से उसका काम सही हो जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं कैंपस के, और ये फ़ायदे आप जानते हैं कि साफ सी बात है कि शिक्षा अभी उस लेवल पर पहुँची नहीं है यहाँ की, अगर ये चीज़ें आएंगी शिक्षा पहुँचेगी एक अच्छे लेवल पर पहुँचेगी ना, तो ये है कि हम निवेदन करते हैं सभी से, समाज के सभी लोगों से निवेदन है हमारा। और आज हम की जबकि ये देखिए हम अपना सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, अभी सिर्फ एक पन्ना अपने बाकी वॉलंटियर्स से जा रहे हैं, कम से कम हमको यहाँ पर अभी आज एक दिन के अंदर ही 500-600 बच्चों के सिग्नेचर मिले हैं, उन बच्चों का समर्थन मिला है। इसमें हम सीनियर्स के पास भी गए, अपने सीनियर्स के पास, मैंने इस बार BSc की भी अपनी, तो इस बार हम अशोक प्रीति मेरा नाम, तो सीनियर्स के पास गए, सीनियर्स का हमको सपोर्ट मिला। सपोर्ट कब मिल रहा है, जब हम उनको चीज़ें बता रहे हैं, लोगों ने क्या क्या गलत चीज़ें बताई हुई हैं कि कैंपस होगा ऐसा हो जाएगा, यहाँ टीचर नहीं रहेंगे, रहेंगे टीचर, लेकिन वो टीचर रहेंगे जो एलिजिबल टीचर है, उसका इंटरव्यू होगा, जो एलिजिबल टीचर है, अगर एलिजिबल एक टीचर है तो वो पढ़ाएगा ना, अच्छा पढ़ाएगा ना, अच्छा पढ़ाएगा वो, तभी यहाँ भेजा जा रहा है उसको, वो इंटरव्यू में पास होकर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छा टीचर है, वो यहाँ पढ़ाएगा। तो ये हैं हमारे कैंपस के फ़ायदे, कैंपस खुलता है तो फ़ायदा होगा आपको, तो आपने तो चलिए BSc BA में एडमिशन ले लेंगे, आपके भैया लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, बहनी लोग होंगे, तो वो लोग तो कम से कम वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो ये निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करें, और जो हमारी कैंपस बनाने की मांग है इसका अपना समर्थन भी दें, और कैंपस इस बार यहाँ आए इसी सत्र से लागू हो जाए। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा आइडिया था कैंपस का, मैंने तो साइन मार दिए यहाँ पे, देखो ये। और किसी को भी आपको साइन करने होना तो आ जाना है, देखो अशोक दया कॉलेज में मिल जाएंगे आपको, इनसे कागज़ मारना और साइन कर देना, क्योंकि आप ही का फ़ायदा का ये। चलो काफ़ी धूप हो गई है यार, और अशोक दा वो कैंपस वाला तो कर ही रहे हैं, और वह बॉल में प्रोग्राम भी हो ही रहा होगा, मगर मेरा मन नहीं हो रहा है अब जाने का, छोड़ो आटा वहाँ पे बुस करते हैं। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ को, कॉलेज का सब कुछ हो ही गया है और टाइम हो गया लगभग कितना 12:30 हो गया है, तो देखते हैं शाम को अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं आपको, नहीं तो वैसे भी दिखाएंगे देख लेना। चलो अब घर पहुंच गए हैं, और वहाँ कॉलेज में प्रोग्राम चल ही रहा था, मैंने ज़्यादा देखा नहीं वहाँ पे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और देर भी लगा रहे थे वो लोग, तो छोड़ो अब शाम को देखते हैं क्या होता है। शाम को दौड़ना उड़ने ही जाऊँगा मैं वैसे ही, और वो कैंपेन वाला जो है अगर चाहो तो आप भी कर सकते हो, अच्छी चीज़ है वो, ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। अगर अभी हो गया है शाम का समय, व्याकुल हो रहा है व्याकुल, ठीक है, और अभी ऊपर से शायद विवेक लोग ओ आइसक्रीम ले रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं वो, देखो वहाँ पे, ओ माय गॉड, आइसक्रीम तो नहीं ले रहे मगर आ रहे हैं इधर को, चलो हमारे लिए भी लेते हैं, नहीं देखते हैं ज़रा आइसक्रीम। ओए मिलने कौन लेगा आइसक्रीम दोस्त, मिल ले आइसक्रीम कौन लेगा, 5 कौन खिले, कौन लेके आ रहे हैं, कहाँ से, ओह जमीन में पैसा गिरा हुआ मिला है, उस चीज़ का आइसक्रीम लेके आ रहा है वो, है वो दिनेश, मैं दिखाता हूँ आपको, जानते ही होगे वैसे दिनेश को, तो है भाई आपने नहीं उठाया क्या यार पैसे, पैसे तूने नहीं उठाया क्या, 100 क्यों नहीं भाई, अरे 100 रुपये मिले उस दिन, तो कई नोट मिले थे, आज 100 कैसे मिले फिर यार। चलो अभी उससे कहानी पूछते हैं क्या जो हुआ है। ओए पैसा कहाँ मिला ये बता तेरे को, घर से लाया, स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, अच्छा घर से लाया है, अच्छा ये भैया आइसक्रीम डाल वो ज़्यादा जा, चलो बहुत है यार इतनी, ओए अंशु के लिए ज़्यादा ज़्यादा डालो यार, ये देखो एक कम से नहीं होता है इसका, यहाँ पे भरत का भी घर है, क्यों यार दिनेश भाई आइसक्रीम खिलाने के लिए, पैसा सच्ची में घर से लेकर आया था, जमीन में गिरा, मैं ये तो बोल रहे जमीन में गिरा मिला, जमीन में गिरा मिला, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो दिनेश नहीं खिलाया, अब जिसका भी 100 रुपये होगा वो दिनेश को बोलेगा, वो दिनेश को गाली देगा, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है, हमारे लिए तो हमको तो दिनेश नहीं खिलाया है। दौड़ने भाई अभी नहीं भाई, हाँ रेस्ट है, संडे रेस्ट है भाई, तब तो सॉफ्टी खा रहे हैं ना, मैं तो दौड़ूंगा मगर, ठीक है दौड़ना, तुम जो करते हो करो, रोज दौड़ पीटर इंग्लैंड है आजकल ये पीटर इंग्लैंड हर जगह मेरे को पोस्टर दिख रहा है, वैसे अगर मैं भी फोटो खिंचाऊंगा तो मैं भी ऐसा ही लगूंगा, मैं बस सोच रहा हूँ मॉडलिंग करता हूँ। हाँ गाइस ये जो फूल है ना ये देखो, पहले मैं सोचता था फूल गोभी है, फूल गोभी हाँ, तो वाले जो फूल थे ना मैं सोचता था फूल गोभी है, अभी छोटी है, थोड़े टाइम में फूल गोभी भी बड़ी होंगी फिर खाएंगे, इस टाइप का मेरे दिमाग में आता था, बचपन था यार, क्या होता है बचपन का, बच्चों का क्या पता है ना, मगर अब तो पता चली है। बिल्डर हट वाले रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, ये देखो ये APS का पीछे वाला रास्ता है, ये TCP के जो करेक्ट बगल में है वो ऊपर है बिल्डर हट हमारी, बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हैं हम दगड़ियों, और दिनेश भी इतनी दूर चल चल के आखिर इसने मेक कर ही लिया, यहाँ तक पहुंच ही गया। यस ब्रो, ओ भाई क्यों बैठ रहे हो यहाँ पे, क्या करेंगे हैं,
देखो यार आजकल क्या जमाना हो गया, सबने फोन हाथ में, एक दो तीन, चुपा मत चार हाथ में फोन रहता ही रहता है, अब लगा लो, मेरे भी रहता ही है, क्या बताएं। मैं बैठने में निकल जाते हैं तब हाथ में निकाल लेता। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए रहता है। तुम क्या कर रहे हो भाई, गेम खेल रहे हो? अरे मेरी वीडियो देख रहे हैं, चल यार गुड गुड, मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिर तो कर सकते हैं। ये एक बिल्डर हट जिसकी मैं बात कर रहा था, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ आर्मी वाले कैसे देखते होंगे। यहाँ से देखो, एक बंदा गन लेके इस तरफ से, ठीक है, एक सोल्जर गन लेके इस तरफ से, और एक सोल्जर गन लेके इस तरफ से, और एक पैरा देने के लिए यहाँ पे एक में तीन तीन इस टाइप का, एक में एक ही रहता है क्या? अच्छा, तो सडन चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला, एक में एक ही रहता है, तो सब में देखता होगा, ऐसा कुछ होगा। कहाँ घूम रहे हो भाई तुम? ये पिटबुल का बच्चा है। ए लगड़ानी लगड़ा जा। अच्छा अच्छा, सो स्मॉल क्यूटीज, ये बड़ा वाला कुत्ता भी है। बिल्कुल अभी हम लोग ग्राउंड में पहुंच गए हैं, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। मॉल के रास्ते से होते आया हूँ, ये देखो ग्राउंड के टापू में जरा बैठते हैं थोड़ी देर। तो बिल्कुल फुटबॉलर लग रहा है यार गोविंद, क्या बात। कौन काट रहा था भाई? अबे गेम ग्राउंड में यार, मैं टापू में बैठा हुआ हूँ, और टापू में बैठते बैठते मुझे ये पता चला कि जो परसों कासनी से हमारा कुत्ता हमारे पीछे पीछे आया था ना, वो कुत्ता अभी तक यहीं पर है, ये देखो। ओए और हेलो, कासनी घर नहीं जाना तुझे अपने? पता नहीं यहाँ क्यों आ गया है, मगर अब ये यहीं रह रहा है तो इसका नामकरण करना पड़ेगा, तो इसका नाम मैंने रख दिया है पेरिस, ठीक है। क्या नाम है? ओए पेरिस, ओए पेरिस, ये आईफल टावर वाला पेरिस है। तो जिसको भी ये कुत्ता दिखे पेरिस के नाम से ही है, और इसको कुछ खिला विला देना, क्योंकि बेचारा कासनी से आया मेहमान है हमारा, बिणु के टापू में रुका हुआ है। गोलू नहीं, अंशु हमारे वार्म अप कर रहे हो, देखो हमारे अंशु का वार्म अप देखो भाई, देखो कितना खतरनाक वार्म अप कर रहा है। ये लेफ्ट राइट लेफ्ट, ओ कबे लेफ्ट कबे राइट तुझे मैं। आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ हमको पहाड़ में इस तरफ ऊपर आने का मौका मिला है। ये एपीएस के साइड वाला पहाड़ है, और वो एपीएस की रोड है देखो, और ये पेरिस भी पीछे पीछे आ रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्यों, मगर ये पेरिस जो है हमारे साथ कनेक्शन फील करता है, शायद सेफ महसूस करता है, इसलिए शाम के टाइम हम कासनी जाएँ कहीं भी जाएँ आ जाते हैं, पता नहीं क्यों करता है इस टाइप का, अच्छी बात है। चलो यार थोड़ी देर वहाँ से, अब यहाँ से चलते चलते अब आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो कितनी बढ़िया छाया आ रखी है ना यहाँ पे, ये देखो सामने पेड़ है, उसके पीछे धूप है, और छाया बहुत अच्छी आई है। और यहीं पर को नीचे कहीं पर हमारे शुभम का भी घर है, और टीचर्स कॉलोनी भी यहीं पर है, देखो शुभम का घर यहाँ नीचे कई वाला है, और ये रही टीचर्स कॉलोनी, हमारे एपीएस के टीचर्स यहाँ रहते हैं, जो भी स्टाफ वाले दूर दूर के होते हैं जो, तो वो यहाँ पर रहते हैं। और देखो हवाई पट्टी कितनी बड़ी है, वाह। चलो अब ग्राउंड की तरफ को चलते हैं, और वैसे शाम के टाइम को यार यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, एपीएस वाली जो ये रोड है ना, ये देखो कई लोग आते हैं यहाँ पे शाम को, क्योंकि गाड़ियाँ भी कम होती हैं, और यहाँ पेड़ भी ज़्यादा है ना, इसलिए अच्छा रहता है यहाँ घूमने में, कभी आप भी आना घूमने यहाँ सेक्ट को, अच्छा रहेगा। सो यार दिस इज़ नाइट टाइम, अंधेरा हो ही चुका है, बस हल्का सा बचा है अंधेरा होने से, 7:30 टाइम लगभग हो गया है, आजकल लाइट अंधेरा थोड़ा लेट होता है। और चलो गाड़ी भी बढ़िया वो है, कवर्ड है, ज़रूरत नहीं होती आजकल इसको कवर करने की, मैं पहले ही कवर कर देता हूँ, क्योंकि शाम को तो दौड़ने जाना होता है इसलिए। तो चलो अब घर चलते हैं, और कल बहुत बिजी डे होगा यार कल को, क्योंकि दिन भर मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, क्लासेस भी हैं, तो अब कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।